नमस्कार किसान भाई, नाम क्या आपका? नाम तो बता दो। चलो नाम मत बताओ, गांव तो बता दो। सहजपुर। तो मंडी में आज कितने कट्टे लाए हो? 25 कट्टे ले गए। क्या भाव गया है? 350। तो भाव से संतुष्ट तो नहीं होंगे? पैदावार की बात करें, पैदावार कितना है? पैदावार भी 30-35 कट्टे निकल गया। अच्छा, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा लॉस है। तो अब की बार जब प्याज की खेती की है हमने, तो उसमें मतलब किस तरह की समस्याएं हैं, थोड़ा सा बताएंगे? रोग भी लगा है। रोग का? अच्छा, गलन रोग आया था। जलेबी रोग नहीं आया? नहीं, पहले नहीं। अच्छा अच्छा, और कुछ झुलसा भी है। अच्छा, झुलसा रोग भी आया था। और कुछ जैसे आप प्याज लगाते हो तो किसान भाई कहते हैं कि कर्जा ले लेके, ये क्या सच में हकीकत है? कर्जा तो लेते ही है, और क्या, ये किसान के पास में सबके पास रकम रखी हुई है। 50,000 खर्चा आता सब एक बीघे लगाने में, 50,000 का खर्चा है और 20,000 की प्याज बिक रही है। बिल्कुल, तो नुकसान तो है ही, 30,000 का सीधा सीधा बीघा पर नुकसान हो रहा है। तो आपके एरिया में अभी कितने परसेंट प्याज अभी बचा हुआ है? अभी तो कम से कम 30% प्याज बचा हुआ है। और किसान है वो कितना परसेंट लगाते हैं लगभग टोटल? किसान करीब 70% तक लगाते हैं। ये तो किसानों का तो ये खेती हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो अपने अलवर के क्या है, प्याज के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। दूसरी फसलों पे भी अब जैसे कपास वगैरह डालने, सारे चीज डिपेंड इसी पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसमें नुकसान हो गया तो सारी उम्मीदें फेल हो जाती हैं। और एक बात और पूछना चाहूंगा, 2024 तक कह रहे हैं कि किसानों की आय हम डबल कर देंगे, झूठे वादे हैं। तो क्या आपकी हुई? नहीं, कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं। इलेक्शन होते हैं तो कुछ बोलते हैं, बाद में जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब चुनाव का टाइम आए तो आप भी उनको अपन दिखा देना। क्लियर ही है, पर क्या दिखाएंगे अब? भाई उसको ना देंगे तो उसको देना पड़ेगा। वोट तो दोनों बराबर ही है, स्थाई चीज है, वो तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब आदमी देख के वोट देंगे, वैसे नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सही है, आप जो वोट है सही आदमी को देना जो किसानों की सोचे, उसको वोट देंगे, जिम्मेदार से बाहर उसको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल, चलो जी, धन्यवाद जी आपका।